तीनों तीनों तारों पे चला ले जा, एक पता बड़े एक पता बच्चा, हिरंगा बच्चा हिरंगा पान में पगला उसकी नानी ने गई लंदन वादे लाला जी नमस्ते। कुलसुम मैं काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? भाई का ख्याल रखना, ठीक है बेटा? पापा। हाँ बेटा। पापा हमारे लिए बहुत सारी इफ्तारी लेके आना। ठीक है बेटा, मैं बहुत सारी इफ्तारी लेकर आऊँगा। पापा हमारे लिए फल लाना बहुत सारे। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत सारे फल लेकर आऊँगा मैं। पापा के पास तो पैसे भी नहीं है और छोटे बहन भाई इफ्तारी के लिए जिद कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? अल्लाह मदद करना। ठीक है भाई का ख्याल रखना। ठीक है पापा। ठीक है पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा घर में आटा खत्म हो गया है और बहन भाई इफ्तारी के लिए जिद कर रहे हैं, मुझे पता है आपका काम भी नहीं चल रहा है, ये मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, इनसे सामान ले आना। बेटा ये पैसे तुम अपने पास रखो, रिस्क देने वाला अल्लाह है, उसका वादा है वो अपने बंदे को कभी भूखा नहीं सोने देगा। ठीक है बेटा मैं जाता हूँ काम के लिए। अल्लाह पापा को रिस्क अता करना। पापा हमारे लिए बहुत सारे फल लाएंगे। सुबह 7 बजे का घर से निकला हुआ हूँ, 11 बज चुके हैं, अभी तक कोई काम नहीं मिल पाया। ए अल्लाह मेरी मदद कर। यहाँ पर काम चल रहा है, शायद मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए, देखता हूँ चलकर। अरे जल्दी जल्दी करो भाई, आज चलाओ। जी मालिक कर रहे हैं। हाँ हाँ करा रहा हूँ भाई, करा रहा हूँ मैं, सही चल रहा है अपना काम। अरे एक बात बताओ, वो प्रॉपर्टी जो थी वो अपने हाथ से निकल गई क्या? सब? अरे यार रुको जरा, ऐसी प्रॉपर्टी को निकलने मत दिया कर यार, चल देख माँ के रेट पता करके बताना मुझे। ठीक है। हाँ बोलो। साहब कुछ काम मिलेगा? साहब मुझे काम की बहुत जरूरत है। ना भैया अभी कुछ काम नहीं है, सारे मजदूर पहले से ही लगे हुए हैं, अभी कुछ काम नहीं है। साहब मुझे काम की सख्त जरूरत है, आपकी मेहरबानी। अबे भाई जब नहीं है तो कैसे लगा लूं, सारा काम पहले से ही चल रहा है। साहब मेरी मजबूरी समझिए, आप भी अल्लाह के बंदे हैं साहब, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। काम तो मिल जाएगा लेकिन 500 नहीं मिलेंगे, 200 मिलेंगे, करेगा क्या? साहब लेकिन 200। अरे करना है तो बता, नहीं तो जा। ठीक है साहब मैं कर लूंगा। जा तो लग जा काम पे। अरे लगाओ इसे भी काम पर। यार आज तो गर्मी बहुत हो रही है। हाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पसीना तो सूख कहीं नहीं दे रहा। Woo!
साजिद भाई कैसे रास्ता भूल गए आज? चला भाई, आपको तो पता ही है काम का कितना लोड होता है, और ये पाक रमजान का महीना भी चल रहा है, बस उसी में बिजी थे, सोचा आपसे आके मिल लें तो चले आए। चलो भाई, तुमने कम से कम याद तो किया। और तला भाई, रोजे तो पूरे चल रहे होंगे? जी अल्लाह का शुक्र है, पूरे रोजे चल रहे हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आप बताओ, रोजे तो पूरे चल रहे होंगे? अरे भाई जान, आपको तो सब बातों का पता ही है, अल्लाह ताला ने बीमारी ऐसी दे रखी है शुगर की, भूखा रहा नहीं जाता, दवाई भी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन माशाल्लाह नमाज की पाबंदी है। परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जी भाई इंशाल्लाह। यार तला, मकान तो बड़ा शानदार बना रहे हो। हाँ अल्लाह का करम है। चलो बढ़िया है यार। अरे अरे भाईजान, संभालिए खुद को, संभालिए भाईजान, ठीक तो है आप? अरे भाईजान क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, वो थोड़ा चक्कर आ रहे हैं। रोजे से हो भाईजान? हाँ भाईजान, रोजे से हूँ। तो भाईजान, अगर रोजा है तो इतना भारी काम क्यों कर रहे हो आप? अरे कहाँ साजिद भाई, इनके चक्कर में लग गए तुम, ये मजदूर हैं, ऐसी ड्रामा करते हैं। आओ यहाँ आ जाओ, चल भेजा तू काम कर। भाईजान आप अपना ध्यान रखना और ये भारी काम मत कीजिए। तला भाई, आप चेंज नहीं हुए बिल्कुल भी। अरे साजिद भाई, तुम नहीं जानते इन मजदूर लोगों को, ये काम कम करते हैं, ड्रामा ज्यादा करते हैं। आओ आ गया। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, ये लो। आप बेफिक्र रहिए, मैं बस तला भाई के पास तक आया था। ले भाई, आप बस बच्चों का ध्यान रखिए, वो कहीं बाहर ना निकल जाए। ले पकड़ अपने 200 रुपए। क्या हुआ, क्या देख रहा है? साहब थोड़े और हो जाते तो। क्या क्या मतलब है तेरा, 200 में तय हुआ था, मिल गए ना, चल निकल। साहब इनमें तो आटा भी नहीं आएगा। साहब आज मेरे बच्चे रोजे से हैं, बच्चों ने सुबह इफ्तारी के लिए बोला है। साहब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने तेरे बच्चों का ठेका नहीं लिया, चल निकल यहाँ से और दोबारा दिख मत जाना। यार तला, तूने तो शैतानियत की हदें ही पार कर दी। तूने हमारे नबी का पैगाम नहीं सुना, किसी मजबूर का फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना अल्लाह ताला तुम्हें मजबूर कर देगा। ठीक है तला भाई, खुदा हाफिज। भैया केला और सेब देना। रुक। अरे साहब आइए। अरे शाहरुख, इफ्तारी का सामान पैक नहीं किया अभी? भाई मेरा भी 100 रुपए का इफ्तारी का सामान पैक कर दो। अबे 100 रुपए का सामान आ रहा है इफ्तारी का, चल आगे को, चल निकल। बेशक ये दुनिया इम्तिहान का मरकज है, यहाँ पर गरीबों की नहीं अमीरों की इज्जत होती है। साहब 100 रुपए 400 का सामान है ये। अबे रख ले रख ले। अबे यार कर गया नुकसान। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूँ, तू अपने बंदों के हक में जो करता है बेहतर करता है। बस मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं अपने बच्चों के सामने जाकर अपना चेहरा दिखा सकूं। क्या हुआ बेटा? चलो तो पापा, आओ जल्दी। देखो पापा। अरे हसन बेटा, ये सब कहां से आया? पापा वो एक अंकल आए थे। Thank you.
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेशक अल्लाह तू हर मुश्किल को आसान करने वाला है। तू ही कुल का मददगार है। तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बच्चों के लिए ये रिस्क अता किया। चलो मेरे बच्चों रोजा खोलो। लो बेटा, लो बेटा, इस रमजान के मुबारक महीने को खुशियों के साथ और मिल बांट कर गुजारें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे तक शेयर जरूर करना।